हेलो बच्चों। तो बेटा हम लोग 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री पर चल रहे थे। हाइट एंड डिस्टेंस हमारा टॉपिक था, ठीक है। तो एक्सरसाइज था हमारा 12.1 और क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड आगे वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर, ये टावर है, कोई फिगर भी हम साथ के साथ बना लेते हैं, ये कोई टावर है, ठीक है। ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर टू ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, देयर एंगल ऑफ डिप्रेशंस आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहां पर ये दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। मान लिया ये ऑब्जेक्ट सी है और ये ऑब्जेक्ट डी है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कहां से देखा जा रहा है? टावर के टॉप से, मतलब बी पॉइंट से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को देखा जा रहा है बेटा, ठीक है। तो यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दे रखा है हमें वो 45 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है। मतलब ये कि जैसे इस ऑब्जेक्ट को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो ऊपर की साइड बनता है। ये कोई हमारी इमेजिनरी लाइन है। ये जो एंगल बन रहा है यहां पर, ये वाला एंगल, ये है आपका 45 डिग्री। कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। और फिर इसके टॉप से इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को भी देखा तो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो लिखा है, ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर टू ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, देयर एंगल ऑफ डिप्रेशंस आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये मैंने बेटा बना दिए। और ये दोनों पॉइंट हमारे क्या है, जो टावर का फुट है ना, जिस सरफेस पर टावर का फुट है उसी सरफेस पर ये दोनों पॉइंट है। जिस सरफेस पर हमारा बेटा टावर का फुट है ना, उसी सरफेस पर ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। आपसे और क्या कह रहा है? इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 150 मीटर, मतलब ये 150 मीटर आपको दे रखा है। हाइट ऑफ द टावर इज 150 मीटर। अब आपसे पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, मतलब आपसे ये डिस्टेंस सी डी पूछा। ऑब्जेक्ट ये था, एक ऑब्जेक्ट ये था बेटा। तो आपसे पूछा गया है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछा है बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमें दे रखा था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फिगर बनेगा वो ये बनेगा। अब यहां पर हमें अपनी ओर से कुछ कैलकुलेशन करनी है। तो यहां बेटा देखिए कि जैसे ये जो मेरे पास इमेजिनरी लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन किसके पैरेलल है? ये लाइन इस एडी के पैरेलल है। जो एडी लाइन है ना, इसके पैरेलल है बेटा ऊपर वाली लाइन। तो ये एंगल अगर 45 डिग्री का है बच्चों, ये 45 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी कितनी डिग्री का आ जाएगा? 45 डिग्री का आ जाएगा। किससे आएगा ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप थोड़ी देर के लिए देखो, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए सुनना बेटा, ये मान लिया यहां पर 60 में ना बनाओ, इसे बाद में बना लूंगा, थोड़ी देर सुनना है बस। ये वाला मैंने अभी नहीं बनाया, ठीक है। फिगर तो मैंने समझा ही दिया। अब आप देखो ध्यान से कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और यहां पर ये 45 डिग्री का है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का। क्योंकि ये जो बी डी है, ये तो हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल की तरह से वर्क करेगी ये लाइन, है ना। तो ये जो, ये वाली जो लाइन है ऊपर, जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, और ये जो नीचे सरफेस वाली जो हमारी लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये 45 है, तो ये भी कितने का होगा? 45 होगा। अब सिमिलरली बेटा आपने इसको इससे भी जोड़ रखा है, दूसरे ऑब्जेक्ट को भी देख रहा है कोई ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यहां खड़ा है बी पॉइंट पर, ऑब्जर्वर जो है वो बी पॉइंट पर है बच्चों, ठीक है। ऑब्जर्वर यहां पर है बेटा और ये हमारे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ये मान लिया ऑब्जेक्ट मेरे पास 2 है और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये ऑब्जेक्ट मेरे पास कौन सा है बेटा? ये ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक। तो ये वाला जो एंगल है, अब ये एंगल 60 डिग्री का है। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऊपर जो एंगल हमारे बने हुए थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना हुआ था, उससे हमने बेटा कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेट करने के बाद इन एंगल्स को हमने, जो सरफेस वाली हमारी लाइन है
उनके साथ इन एंगल्स को बना लिया, ये जो सरफेस वाली लाइन है उनके साथ मैंने इन एंगल्स को बना लिया बाय द ज्योमेट्री। अब यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको बेटा ये डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, मतलब सीडी फाइंड आउट करना है। और ये सीडी आपने कितना लेट कर लिया, सपोज ये सीडी हमारे पास एक्स है और ये जो एसी है इसको क्या मान लिया आपने, ये एसी मेरे पास कितनी है बेटा, वाई है। क्लियर हो गया होगा। अब कैसे करेंगे ये देखो, यहां पर बेटा आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, दो राइट एंगल ट्राइंगल, हमें जो वर्क करना है वो किस पर करना होता है, राइट एंगल ट्राइंगल पर वर्क करना होता है। तो बेटा यहां पर देखो, पहला राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे। तो इन दोनों पे हम क्या करेंगे बेटा, वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल ले लिया, ए बी सी, दिख रहा है। अब हमें जो रिलेशन लेना है, देखो आपसे x पूछा गया है, इसका मतलब है कि बेस के बारे में कुछ पूछा गया है, बेस का ही पार्ट है ना ये x, और गिविन क्या है, परपेंडिकुलर गिविन है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं ए बी सी की, ए बी सी की बात करूं तो यहां पर 60 के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर गिविन है और x के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब अगर x हमें निकालना होगा तो वहां पर हमें बेटा नीड होगी बाई निकालने की भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बाई को फाइंड आउट करेंगे। तो ये बाई क्या है हमारा, एबीसी ट्राइंगल के लिए ये बाई हमारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। इस एबीसी ट्राइंगल में देखूं तो ये बाई क्या है बेटा, हमारा बेस बन जाएगा। और ये क्या दे रखा है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस आपसे पूछा है, मतलब बाई आप निकालना चाह रहे हो, क्योंकि इसी की हेल्प से हम क्या निकाल पाएंगे, एक्स को निकाल पाएंगे बेटा। तो आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो हमारे पास आता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, ये कहां आता है बेटा, टेन थीटा में आता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना हमारे पास टेन थीटा, वहां पर ये आता है। तो आप क्या करेंगे, टेन थीटा का यहां पर यूज करेंगे, तो थीटा के प्लेस पर जो एंगल है वो हमारा कितना है, 60 डिग्री है। तो टेन 60 इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है, वाई, तो वाई लगा दिया। और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, रूट थ्री, तो ये रूट थ्री वाई इज इक्वल टू 150, यहां पर रूट थ्री से हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो वाई इज इक्वल टू 150 अपॉन रूट थ्री, और रूट थ्री से आप क्या करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि बेटा आपको लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को आपको नहीं रखना। तो यहां पर ये जो रूट थ्री आ रहा है बेटा, ये देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आपको इसको हटाने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, रेशियलाइजेशन करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, रूट थ्री से। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 150 रूट थ्री, और ये रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो गया थ्री, थ्री से ये कैंसिल हो गया, तो ये वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 50 रूट थ्री मीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। वाई का मतलब ये हुआ कि ये एसी की वैल्यू आ गई, यहां से ये फुट ऑफ द टावर था ना, ए पॉइंट टू फुट ऑफ द टावर है, ये ऊपर टॉप ऑफ द टावर है, फुट ऑफ द टावर से ऑब्जेक्ट टू तक की डिस्टेंस आ गई, ऑब्जेक्ट टू मान रखा है बेटा, यहां तक की डिस्टेंस आ गई आपके पास, कितनी आ गई, 50 रूट थ्री मीटर, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल आपके पास कौन सा है, एक और ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है आपके पास ए बी डी, आपको दिख रहा होगा बच्चों ए बी डी ट्राइंगल। तो बेटा अब मैं ए बी डी ट्राइंगल को कैलकुलेट करूंगा, तो यहां पर लिखो इन ट्राइंगल ए बी डी। अब आप ए बी डी ट्राइंगल को देखेंगे तो देखो बच्चों, ए बी डी ट्राइंगल, यहां पर ए बी डी में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है बेटा, 45 डिग्री का। अच्छा एक्स पूछा है, एक्स पूछा है आपसे, और देखो बच्चों वाई आप निकाल चुके हो, वाई कहां है हमारा, ये रहा,
x पूछा है, y आप निकाल चुके और ये हमें ए बी गिविन। तो अगर मैं इस फिगर को देखूं, ए बी डी ट्रायंगल को देखूं, तो बेटा यहां भी 45 डिग्री जो एंगल है उसके सामने वाली साइड ये जो होगी ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और जो इंफॉर्मेशन गिविन है वो किसकी किसके बारे में गिविन है, हमें बेस के बारे में गिविन है, क्योंकि इसके सामने वाली साइड एंगल के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, हाइपोटेनस कभी बदलेगा नहीं, ये जो हमारा बीडी है वो एज इट इज रहेगा। तो आपसे पूछा किसके बारे में बेटा, फिर बेस के बारे में पूछा है ना, एक्स के बारे में पूछा है, बाई हमें पता है बेटा, तो हम बेस और परपेंडिकुलर का यहां पर रेशियो लेके चलेंगे। तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो या तो टेन में आता है या फिर किसमें आता है, कॉट में आता है। तो इन दोनों रेशियो में से एक रेशियो को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो बच्चों देखो, मैंने यहां पर 10 ले लिया, 10 और एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, और बेटा बेस कितना हो जाएगा, देखो बेस हमारा पूरा एडी आएगा। अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी लूंगा तो यहां पर बेस कितना आएगा, एडी आएगा। अब एडी बेस में देख लीजिए बेटा, यहां पर ये बाई है इतना पार्ट और इतना पार्ट एक्स है, तो टोटल एडी जो बेस होगा वो मेरे पास एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। अब 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये 150 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 150 आ गया बेटा। क्लियर हो गया। यहां आप इसमें देखेंगे बेटा, यहां जो फाइंड आउट करना था वो क्या फाइंड आउट करना था, x डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट। ये देखो यहां लिखा है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब cd निकालना है, x निकालना है। तो यहां पर एक रिलेशन आपको दिख गया होगा कि x प्लस y इज इक्वल टू 150 है, और जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू है 50√3। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50√3। तो ये जो y की वैल्यू है वो आप यहां पर लगा दो बेटा, अगर y की वैल्यू आप यहां लगा दोगे तो बस हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, x की आ जाएगी, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। x हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट। ये देख रहे हो बेटा फिगर में, CD को हमने x मान रखा है। तो आप क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे, जो y की वैल्यू है वो आप कहां लगा देंगे बेटा, यहां पर लगा देंगे। तो y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 50√3 इज इक्वल टू 150, यानी x इज इक्वल टू 150 माइनस 50√3। x इज इक्वल टू आ जाएगा 150 माइनस 50√3। अब इसको करना है हमें सिंप्लीफाई, तो देखो बच्चों, तो x इज इक्वल टू 150 माइनस 50 इंटू और रूट थ्री की वैल्यू 1.732, ये आप यहां पर लगा दो 1.732, ये रूट थ्री की वैल्यू लगा दिया। अब इसको करो सिंप्लीफाई, तो देखो बेटा x इज इक्वल टू 150, दोनों का मल्टीप्लाई देख लो कितना आएगा, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा 5 2 10, पहले 5 से कर लो, 5 2 10 कैरी 1, 5 3 15, 1 16 कैरी 1, 5 7 35, 35 और 1 36 कैरी 3, 5 1 5 और 3 कितना आ गया 8, और 10 पीछे लगी रहा है। अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो ये सॉल्व होकर मेरे पास आ गया 150 माइनस 86.600। ठीक है बच्चों, एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले, 5 2 10 कैरी 1, 5 3 10 10, ये जीरो तो ये वाला लगा था, 5 2 10 सॉरी ये वाला जीरो लगा था बेटा, 5 2 10 कैरी 1, 5 3 15, 1 16 कैरी 1, 5 7 35 और 1 36 कैरी 3, 5 1 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सही है। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो बेटा माइनस करने के बाद एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहां कर लू मैं 150.00 और ये कितना है 86.60। ठीक है, तो एक और जीरो है ना, ये दे रखा है 0.600, 0.600,
तो ये जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ये पीछे जीरो लगे हुए हैं इनका कोई मतलब नहीं होता। अगर आप इन्हें हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं बेटा, है ना, और लगाना चाहें तो आपके ऊपर है, आप लगा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है जैसे 150 के बाद तो कोई पॉइंट के बाद कुछ था नहीं, तो मैंने अपनी ओर से जीरो जीरो बढ़ा लिया और इसको माइनस कर दिया। जीरो, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहां 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 बचेगा, और यहां पर मेरे पास 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। तो फाइनली मेरे पास डिस्टेंस आ गया 63.4 मीटर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट आपके पास सी और डी थे, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 63.4 मीटर। और यही आपसे बेटा इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। और क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा कुछ वैल्यूज आपको पहले से गिवन है, ध्यान रखिएगा, 1032 आपको गिवन है और 1063 भी आपको यहां पर गिवन है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, जो हमारा 15th क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट इन अ हॉरिजेंटल प्लेन थ्रू द फुट ऑफ द टावर इज 32 डिग्री। व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द टावर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the angle of elevation of top to be 63 degree. Find the height of the tower and the distance of the first position from the tower. मतलब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है कि ये टावर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये टावर है कोई ए बी सपोज। अब ए बी टावर में क्या दे रखा है, क्या है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट इन अ हॉरिजेंटल प्लेन। यहां पर जिस प्लेन में ये टावर है उसी प्लेन में एक और पॉइंट हमने सी ले लिया, और इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से ये हमें दे रखा है, ये कितना है बेटा, ये है हमारे पास 32 डिग्री, है ना, ये दे रखा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट on a in a horizontal plane through the foot of the tower is 32 degree. When the observer moves towards the tower, जो observe कर रहा है, पहले observer इस point पे देख रहा था, अब observer tower की ओर गया बेटा, towards the tower, suppose ये point deeper अब observe कर रहा है, जब ये point deeper पहुंच जाता है observer, तब ये जो angle of elevation है इसके top का वो हमारा 63 डिग्री हो जाता है, कितना हो जाता है 63 डिग्री। और ये कितनी डिस्टेंस इसने यहां से यहां तक मूव किया ऑब्जर्वर ने, जो ऑब्जर्वर ने जो डिस्टेंस मूव की है सी से डी तक, वो डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, वो डिस्टेंस दे रखा है आपको 100 मीटर, ये दे रखा है, ये डिस्टेंस आपको 100 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, हाइट ऑफ द टावर, एक तो आपसे ये पूछा गया है बेटा ये कितना होगा, सपोज कर लो ये टावर है और इसकी हाइट क्या मान ली आपने, एच मान ली, ये हाइट कितनी मान ली आपने, एच मान ली, टावर जो था उसकी हाइट कितनी मान ली, एच। और ये डिस्टेंस जो हमारा ये पॉइंट है इस पॉइंट से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली आपने, एक्स मान ली। अब क्लियरली यहां पर दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, टू राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, और वो राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से हैं, एक ट्राइंगल है हमारा ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल है हमारा ए बी सी। तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। अब बेटा हम वही जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए वही प्रोसीजर यहां पर लगाएंगे। तो मैंने पहले राइट एंगल ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल ए बी डी, कौन सा ट्राइंगल ले लिया आपने, ए बी डी ट्राइंगल ले लिया। अब ए बी डी ट्राइंगल में आप देख रहे हो कि यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब x और h का रिलेशन लेना है, ये निकालना है हमें, x भी निकालना है और h भी निकालना है। यहां पर हमें बेटा ये डिस्टेंस भी निकालनी है और ये डिस्टेंस भी निकालनी है। तो जब दोनों निकालनी है, यहां पर x इस ट्राइंगल के लिए अगर हम देखेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, तो ये जो x है ये बेस की तरह से वर्क करेगा, क्योंकि ये 63 एंगल है बेटा, यहां पर इस एंगल के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर,
सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, और ये जो बच्चा है ये क्या रह गया, ये 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, जो बच्चा है वो बेस। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों का रेशियो लेना है, बेस का और परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो हमारे किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, टेन थीटा में। तो यहां पर हम यूज करेंगे टेन थीटा, टेन और थीटा के प्लेस पर है 63 डिग्री। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस में कितना है बेटा एक्स, और टेन 63 की वैल्यू आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन है टेन 63 की वैल्यू। तो ये हमें दे रखा है 1.9626 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये 1.9626 एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एच। ये जो रहा ये हमारे पास क्या रहा, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? अब हम चलते हैं बेटा आगे, देखो अब हम बेटा दूसरे ट्रायंगल को ले लेते हैं। एक और राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए बी सी, तो ए बी सी को आप लेके चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में अगर आप देखेंगे यहां पर, तो देखो ये 32 डिग्री एंगल है, और इस एंगल के सामने वाली साइड ये होगी जो भी क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बेटा ये परपेंडिकुलर, और जो बचा है ये जो बचा है ये क्या है हमारा बेस है, 90 के सामने वाला हमारा ये जो बीसी होगा ये क्या हो जाएगी हाइपोटेनस। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों का रेशियो लेना है। तो बेस और परपेंडिकुलर जो आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो वो या तो टेन थीटा में आ जाते हैं या फिर कॉट थीटा में आ जाते हैं। तो आप यहां पर दोनों रेशियो में से कोई सा भी एक रेशियो यूज कर सकते हैं, टेन थीटा भी यूज कर सकते हैं और कॉट थीटा भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं टेन थीटा। तो समझिए बच्चों, यहां पर आपने लिख लिया tan 32 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है आपका h अपॉन बेस। बेटा बेस कितना आ जाएगा, बेस को ध्यान से देखिएगा, बेस मेरा आएगा पूरा ac, ये पूरा बेस आएगा जो कि किसके इक्वल होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 100 है। तो ये आ जाएगा x प्लस 100, और tan 32 डिग्री जो दे रखा है वो ये दे रखा है 0.6248 इज इक्वल टू एच ओवर एक्स प्लस 100। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0.6248 एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू कितना आ गया एच। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.6248x प्लस, बेटा इसका मल्टीप्लाई 100 से करोगे, इस पूरे नंबर का मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो यहां क्या होगा, 100 से जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस पीछे चला जाएगा, ठीक है। ये डेसिमल पॉइंट कहां पहुंच जाएगा बेटा 62.48 बन जाएगा। इसका मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो इसका मल्टीप्लाई एक्स के साथ करोगे, ये लिख के आ गया, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा ये 62.48 इज इक्वल टू कितना h। ये इक्वेशन फर्स्ट है और इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन क्या हो गया आपका सेकंड हो गया। अब देखो बेटा क्या करने वाले हैं, ये जो इक्वेशन फर्स्ट में h की वैल्यू दे रखी है ना, इस h की वैल्यू को आप यहां लगा दो इक्वेशन सेकंड में, तो कितना हो जाएगा यूजिंग इक्वेशन सेकंड, यह आ जाएगा 0. बेटा h की वैल्यू लगाइए 0.6248x प्लस 62.48 इज इक्वल टू h, h की वैल्यू कितनी है 1.9626x, ये h की वैल्यू है। मैंने यहां से h की वैल्यू ली और यहां पर h के प्लेस पर क्या कर दिया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब बच्चों क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करिए, जो x वाला पोर्शन है ना ये वाला, इस x वाले पोर्शन को आप इधर ले जाइए, ये जो पोर्शन है इसको इधर ले जाओ, तो ये 62.48 इज इक्वल टू 1.9626x माइनस 0.6248x, मतलब ये पूरी वैल्यू को आप इधर ले गए, ये तो यही छोड़ दिया बेटा, और एक्स वाला पोर्शन जो था
वो किसके पास ले गया, x के पास लेके। अब बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। तो देखो बेटा कितना होगा, ये 62.48 और यहां इसमें से इसको माइनस करिए, तो यहां पर बेटा जब माइनस करोगे तो देखो 1.9626 और ये 0.6248, इसको माइनस कर लीजिए। तो यहां से बोरो करेंगे 16 में से 8 जाएगा तो 8, और 11 में से 4 जाएगा तो 7, ये बेटा 5 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहां पर 1 एज इट इज आ गया। तो कितना आ गया मेरे पास, 1.3378x। अब हमें x कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों x कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो यहां पर इस नंबर से क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, x निकालना है, यहां पर हो रहा है इस नंबर से मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 62.48 अपॉन 1.3378 इज इक्वल टू x। अब इसे करना है हमें बच्चों सिंप्लीफाई, तो देखो बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 62, यहां से डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 4 जीरोज बढ़ जाएंगे, यहां से डेसिमल पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 4 जीरोज बढ़ जाएंगे, और यहां से इस डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरोज बढ़ जाएंगे। तो ये 6248 और यहां पर 4 जीरोज बढ़ा लिए, और नीचे आ जाएगा 1.3378। डेसिमल पॉइंट यहां का तो हट गया था तभी तो 4 जीरोज बढ़े हैं, और ऊपर से डेसिमल पॉइंट हटाया तो यहां पर 2 जीरोज बढ़ा लो। अब यहां पर इससे ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। अब क्या करना है, 1.3378 से आप इस नंबर को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे बेटा, इस नंबर से इसको डिवाइड कर दोगे तो वही हमारा आंसर होगा। चलो डिवाइड करके देखते हैं। अब देखिए बच्चों डिवाइड करना है 62480 और डिवाइड हमें किससे करना है, 1.3378 इससे हमें डिवाइड करना है, 62480 1.3378। अब बेटा इसको डिवाइड करेंगे आप लोग तो पहले जाएगा ये 4 टाइम्स करेंगे, 4 8 जा 32, 3 बचेगा, 4 7 जा 28 और 3 31, फिर से 3 बचेगा, और 4 3 जा 12 और 3 15, 1 बचेगा, 4 3 जा 12 13, कैरी 1 और ये 5, ये आ जाएगा 4 टाइम्स। तो यहां से इसको माइनस करो तो 8, और यहां पर हमारे पास 7 में से बन जाएगा तो 6, 14 में से 5 जाएगा तो 9, और यहां बेटा हमारे पास 11 में से 3 जाएगा तो 8, और एक और 0 लगा लिया। अब कितने टाइम जाएगा, अब ये जाएगा हमारा 6 टाइम्स जाएगा बेटा, ये डिविजिबल है इससे 6 टाइम्स, क्योंकि हम ऐसे नंबर से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इससे कम आ जाए या इसके बराबर आ जाए बट इससे ज्यादा ना जाए। तो 6 टाइम्स करो, 6 8 जा 48, 4 बचेगा, और 6 7 जा 42, 42 और 4 46, कितना बचेगा, 4, 6 3 जा 18 और 4, 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22, 2 बचेगा, 6 3 जा 18, 18 और 2 20, 2 बचेगा, 6 1 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। एक बार इसको और रीचेक कर लेते हैं ना, क्योंकि कैलकुलेशन अगर गलत हो गया ना तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा, तो एक बार रीचेक कर लेते हैं बेटा। 6 8 जा 48, 4 बचेगा, 6 7 जा 42 और 4 46, फिर 4 बचेगा, और 6 3 जा 18 और 4 22, 2 बचेगा, 6 3 जा 18 और 2 20, 2 बचेगा, 6 1 जा 6 और 2 8, सही है। अब यहां माइनस कर लो तो बोरो करना पड़ेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 7 में से 6 जाएगा तो 1, और यहां 6 में से 2 जाएगा तो 4, और ये 9, ये पॉइंट लगाओ और यहां पर एक 0 इंक्रीज कर लो। अब बेटा कितने टाइम से आएगा ये, अब आपका जाएगा ये 7 टाइम्स, अप्रोक्स 7 टाइम्स, हाँ 7 टाइम्स ही जाएगा। 7 8 जा 56,
सेवन एट जा कितना हो जाएगा 56, फाइव बचेगा सेवन, सेवन जा 49 और फाइव 54, फिर फाइव बचेगा सेवन थ्री जा 21 और फाइव 26, कितना बचेगा 2 और सेवन थ्री जा 21 और 2 23, 2 बचेगा और ये 9। तो अप्रोक्सीमेटली जब मैं इससे इसको डिवाइड कर रहा हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 46.7 मीटर के अप्रोक्स बेटा यहां पर आंसर हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हम देखेंगे तो ये 46.7 मीटर, 46.7 मीटर ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब निकालना क्या है, एक तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और क्या निकालना है बेटा, h निकालना है। तो जो x की वैल्यू है ये जो आया है 46.7, इस x की वैल्यू को हम कहां लगा देंगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में लगा देंगे और उसके बाद क्या निकलेगा हमारा, h निकालना था ना, तो h निकालने के लिए इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में यहां x के प्लेस पर लगा देंगे तो वहां से क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ टावर। चलो बेटा देखते हैं, चलो बच्चों अब इस x की वैल्यू को बेटा आप यहां लगाइए तो h निकल आएगा, तो h कितना आएगा ये रफ कर लेते हैं, ये तो हमारा हो गया, देखो बेटा देन x h इज इक्वल टू कहां कैलकुलेट करें, यहां पर निकाल देते हैं हाइट ऑफ, नाउ हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगा 1.9626 इंटू 1.9626 इंटू 46.7, ये हमारे पास हाइट आ जाएगा और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आ जाता है 91.66। बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 91.66, ये मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा। तो ये जो h आया है ये क्या आई बेटा हमारे पास, हाइट ऑफ टावर आ गया, यानी h की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। मैंने क्या किया था, इस x की वैल्यू को यहां से निकालकर इस x की वैल्यू को मैंने यहां पर पुट कर दिया बेटा और फिर h को क्या कर लिया मैंने, कैलकुलेट कर लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स इतना हमारे पास h आ जाएगा। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास मीटर, ये मीटर लिखा हुआ है ठीक है, हाइट आ गया और ये डिस्टेंस आ गई। आपसे पूछा क्या क्या है ये देख लेते हैं, एक तो पूछा है हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर तो मेरा ये हो गया 91.66 और दूसरा आपसे पूछा है ये कितना होगा फर्स्ट पॉइंट से और इसके फुट तक की डिस्टेंस, टावर तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी, यहां रफ करना पड़ेगा हमें, कौन सा पार्ट रफ करें, ये रफ कर देते हैं, फर्स्ट पॉइंट से और टावर तक की डिस्टेंस दैट इज आपसे पूछा गया है एसी, एसी हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 100, एक्स प्लस 100 देख रहे हो बेटा 100 एरा और एक्स एरा, एक्स प्लस 100 जो होगा वो एसी हो जाएगा। अच्छा एसी क्यों निकाल रहा है, क्योंकि पूछा है बेटा देखो ये लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजिशन फ्रॉम द टावर, यानी कि टावर से और फर्स्ट पोजिशन तक की क्या पूछी है आपसे, डिस्टेंस पूछी है, तो आपके दोनों प्लस कर देंगे तो ये x प्लस 100 हो गया और x की वैल्यू आपके पास कितना है बेटा 46.7, तो x की वैल्यू यहां लगा दो 46.7 प्लस का 100 तो AC हो गया 146.7 मीटर और ये क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ अ फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द टावर, डिस्टेंस ऑफ अ फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द टावर। तो ये हमारे पास इसके सेकंड पार्ट का आंसर है और ये हमारे पास क्या है इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आई होप समझ में आया होगा बच्चों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियोज में सॉल्व करेंगे और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है बेटा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।